सो गाइस, अभी ये जो मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ ना, कि अभी हम जम्मू की लोकल बस में बैठ चुके हैं, जिसका भी मैंने अभी जो भी सब चीज़ें मैंने बताई थी वो मैंने इससे पहले आपको सब कुछ बता दिया था कि बस का कितना किराया है, ये सब कुछ। ठीक है, आप इससे वाले पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। और गाइस, सामने जम्मू कितना प्यारा लग रहा है, पहाड़, मतलब जो पहाड़ से व्यू आ रहा है ना जम्मू का, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है यार। मतलब मेरी नज़र नहीं हट रही थी, अब सोचा सामने का आपको रास्ता भी दिखाया जाए। रोड में बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, रोड बहुत ज़्यादा साफ़ और अच्छी है। और बीच में जैसे कहीं कहीं मोड़ होता है ना, जैसे कहीं जैसे सामने बस आपको दिख रही है, तो छोटी यहाँ पे जो छोटी बस चलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, छोटी बस के कारण क्या, छोटी बस पहाड़ों पर जल्दी निकल जाती है, जिससे कि जाम इन सब चीज़ों से नहीं लग पाता है। तो अभी हम सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना गाइस, वो IIT जम्मू है। क्या किसी ने देखा है IIT जम्मू, या कोई इसमें पढ़ा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है। तो अभी हमारा बस का यहाँ पे स्टॉप हुआ था, किसी को यहाँ पे स्टूडेंट को उतरना था तो हमने भी एक मस्त नज़ारा देखा जम्मू, IIT जम्मू का। तो यहाँ पे जो देखिए, जो ट्रैवलर सामने गई है ना, ये भी चलती है, ठीक है, बट इसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा है। और हमारी बस एकदम सुपर फास्ट स्पीड में चलती हुई, इस बस का नाम भी सुपर फास्ट है, 100 रुपये में सुपर फास्ट। और व्यू तो मतलब बस देखने का ऐसे मन कर रहा था कि बस मैं बस के ऊपर बैठ जाऊँ और ये सब चीज़ें देखता रहूँ। और भैया ने एकदम बस है ना अच्छे से डेकोरेट कर रखी है, बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो भैया हैं, जो हमारे ड्राइवर भैया थे, ये कुल 20-21 साल के हैं, और इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी, बहुत ज़्यादा मदद। कहाँ पे की थी गाइस, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। इन्होंने मेरी जम्मू पहुँच कर, हम कटरा से जम्मू से कटरा पहुँच गए थे, तब इन्होंने मेरे पास फ़ोन नहीं था, हमारे फ़ोन में टावर नहीं थे, तो उन्होंने अपना फ़ोन देकर मुझे, ये चले गए थे, आप बोल रहे थे कि आप बात कर लो और मुझे फ़ोन वापस कर देना। मतलब यार, कौन ट्रस्ट करता है आज की लाइफ में, कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, बट भैया ने किया, थैंक यू सो मच भैया। भैया मुझे अमेजिंग व्यू दिखाते और बस को भगाते रास्ता कवर कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। भैया ने तो अपने बस, जब से रात से जम्मू 4:30 बजे हम बस के आस 5 बजे के आसपास बस में बैठे थे, 5:30 हमारी राजधानी उतारा, और जब से हम भोले बाबा माता रानी के भजन सुनते सुनते अपना रास्ते को कवर कर रहे हैं। मतलब मज़ा आ रहा है पूरा ट्रिप में इन्जॉयमेंट का कोई कसर ही नहीं छोड़ा, ना कोई कसर छूट रहा है, फुल मस्ती के साथ, फुल धमाके के साथ एकदम ट्रिप चल रही है। शायद अभी हम एक अच्छी सी चाय पीने के लिए रुके हैं, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम अपनी लोकल बस में हैं और इसमें अभी हवा भर रही है, मैं अभी यहाँ को आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, सुना है यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो सोचा रुक के चाय का मज़ा लेते हैं और ऐसे व्यू के साथ। आप देख रहे होंगे कितना, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त हाईवे एकदम, बहुत अच्छे से। काफ़ी सारे खाने पीने के बीच में स्टॉल भी हैं, तो आप कहीं भी खाना पीना का कुछ भी खा सकते हैं, चाय पीने। और ये है हमारी बस सुपर फास्ट। बाकी पीछे की तरफ ऐसा कुछ नहीं, आगे ही है जो भी है, हमें जाना भी इस साइड, और एक हैवी कटरा रोड, माँ वैष्णो देवी के दरबार में, भवन में माता रानी हमारा वेट कर रही हैं, जल्दी माता रानी से आके मिलते हैं। गाइस, आप भी सभी, मैं मतलब एक बार कहूँगा कि आप जम्मू तक ही ट्रेन से आइएगा, ठीक है, जब भी आइए, और यहाँ से लोकल बस पकड़ के ही जाइएगा, कुछ मात्र 100 रुपये का टिकट है, मात्र 100 रुपये का, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 100 रुपये,
और काफ़ी जो आपको मतलब जो इन्जॉयमेंट और जो मज़ा आएगा ना यहाँ के लोकलिटी में, वो कहीं नहीं आने वाला, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं दिखाता हूँ आपको बैक साइड का व्यू कैसा है रोड के उस पर चलकर। सामने से कोई भी बस या गाड़ी आ रही बहुत अच्छा सा व्यू है, बहुत मज़ा। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आओ तो आप लोकली जम्मू तक ही आइएगा ट्रेन से बुक करके, यहाँ मतलब सीधा डायरेक्ट कटरा तक मत जाइएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय। दोस्तों देखो बड़ी ख़तरनाक जगह से लेके जा रहा हूँ आपको, एक व्यू दिखाने बड़ा अच्छा। अरे बाप रे, चढ़ के देखते हैं इस पे, देखो आप, वाओ ब्यूटीफुल एकदम। ऐसा लगता है इतनी शांति में आ गए ना कि पता नहीं लग रहा है कि इतनी शांति में, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कहीं यहाँ पे 8-10 कंपनियाँ खोल दी जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। बहुत ही प्यारा है। सो गाइस अभी हमारे यहाँ पे टोल कटेगा जो कि नॉर्मली मतलब हाईवे है, जम्मू से निकलने के बाद जो टोल कटता है वो है ही टोल प्लाजा। और इसके बाद मैं आपको बहुत ही गजब चीज़ दिखाने वाला हूँ गाइस, बहुत जल्दी टोल के पास सीधा मज़ेदार और एक्साइटमेंट चीज़ आने वाली है। तो शायद सब लोग एक्साइटेड होंगे, तो मैं बता ही देता हूँ कि सामने कुछ ही दूरी पर आने वाला है एक टनल, जो कि आप देख सकते हैं सामने टनल आ गया है गाइस। ये टनल जो है कटरा से जम्मू, जब आप जम्मू से कटरा और कटरा से जम्मू जब भी आना जाना करेंगे तो इन टनलों के बीच में से ही करेंगे। ये जो टनल बने हुए हैं ये पहाड़ों के अंदर बने हुए हैं, और यहाँ पर मैं आगे जाके आपको सबसे बड़ा टनल भी दिखाऊंगा। ये तो थोड़ा छोटा सा टनल है, ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और ऊपर लिखा हुआ भी है, मतलब ओह माय गॉड, जय माता रानी, जय माता रानी। माता रानी का मतलब इतना अच्छा एंटरटेनमेंट सुबह सुबह है ना, कहीं नहीं मिल सकता जो यहाँ पे मुझे मिला है। एकदम खुला खुला मौसम, सब चीज़ें, ये जो आप रोड पे लोग देख रहे हैं ना भाई, है यहाँ के लोकल हैं। वो कितना बड़े ब्रिज पर से ये जो मेरी अभी जो बस गई है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, मतलब दोनों तरफ खाई खाई और ख़तरनाक तरीके से डर लग रहा है। नीचे आप देख सकते हैं हम कितने ऊँचे पे हैं, और कितने ऊँचे ऊँचे पुलों पे हमारी जो ये बस चल रही है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये तो, मतलब यहाँ पर तो रुकूंगा। और ये सबसे बड़ा टनल आप देख सकते हो, जिसकी दूरी कुल 2 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इसको निकलने के बाद फिर आपको पहाड़ों का व्यू, और पूरे रास्ते माता रानी के भजन चल रहे हैं और कानों में एकदम मज़ा आ रहा है। फिर एक टनल और मिला, ये टनल भी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर अप्रॉक्स है, मतलब जो यहाँ पे टनल बने हुए हैं ना वो 2-3 किलोमीटर के अप्रॉक्स में बने हुए हैं, इससे ऊपर नहीं है, क्योंकि रोड भी बनाई गई है, टनल भी हैं, और लाइटों वाइटों की पूरी अच्छी खासी गवर्नमेंट ने यहाँ पर सारी सुविधाएँ कर रखी हैं, क्योंकि जिससे कि पब्लिक को या टनल के अंदर किसी को अंधेरा या डर या कोई भी एक्सीडेंट का खतरा ना हो सके। और ये टनल एग्जिट हुआ, सामने एक टनल और गाइस देखिए गजब तरीके से, और इसके बराबर में है एग्जिट वाला। जय माता दी सभी लोग। ये भी टनल की लंबाई 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास है, जैसे कि यहाँ के मैंने ड्राइवर भैया से पूछा था, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था गाइस। यहाँ पे टर्न में सब कुछ दिख रहा है, मतलब मज़ेदार एकदम, बस एकदम सुपर फास्ट स्पीड में और टनल के में, और ऐसा लग रहा है जैसे बस माता रानी का भवन आने वाला है, बस भवन आने वाला है। जय माता दी, जय माता दी के नारे लगाते हुए बस में सभी लोग बहुत ज़्यादा, मतलब सभी लोग यहाँ पे वैष्णो देवी ही जा रहे थे,
सभी बहुत लोग दूर दूर से आए हुए थे। जो मेरे बारे में भैया बैठे थे वो भी दिल्ली से थे, कोई हिमाचल से था, कोई कहीं से, और काफ़ी टाइम दूर दूर से, बिहार से, यूपी से, और काफ़ी जगह से लोग बात थे। अभी देखो यहाँ पे है ना कई सारे चेक पोस्ट आने वाला सामने की गाइस, आप देख रहे हो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? शिव माँ वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। और यही रास्ता जाता है आपका लेह लद्दाख श्रीनगर की तरफ। यहाँ से जो लेह लद्दाख है वो 677 किलोमीटर है। और अभी एक हमने जम्मू से कटरा की तरफ टर्न ले लिया है। सामने की तरफ आप देख रहे हो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, मतलब सभी कुछ है ना श्री माता वैष्णो देवी के नाम से खुला हुआ है। मतलब हर किसी को यहाँ पे भक्ति भावना इतनी अच्छी है ना, मतलब हर कोई इसी नाम से सब कुछ खोल लेता है अपना। और ये देख सकते हैं भैया का बस का नज़ारा। यहाँ से फिर एक हमारी नई जर्नी स्टार्ट हो गई है, नई रोड है, गांवों के बीच में से बस निकल के जाएगी, बड़ा ही अच्छा मतलब एक तो। और यहाँ पर पता साफ़ सफाई बहुत है। जो यहाँ का श्राइन बोर्ड है ना, उसने उस ट्रस्ट ने इतनी अच्छी साफ़ सफाई कर रखी है, मतलब रोड पे भी हर जगह, कि मतलब यात्रियों को कहीं भी कुछ गंदा या कोई कचरा पड़ा हो तो एकदम साफ़ हो जाए। और ये चीज़ मैं आगे जाके भी आपको दिखाऊंगा श्राइन बोर्ड की। फाइनली मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ पे आगे बिठाया जाए, और भैया ने मुझे आगे बिठाया। भैया कह रहे हैं आप आराम से यूट्यूब की वीडियो बनाओ। भैया आराम से एकदम बहुत मस्त मस्त बना रहे हैं इसी बारे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए। भैया हमारे 5-6 साल से बस चला रहे हैं। कटरा बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, बहुत ही जल्दी। हमें अभी यहाँ से कटरा पहुंचने में 2 घंटे लगे, क्योंकि भैया ने हमें सेफ सुरक्षित अच्छे से पहुंचा लिया, और हमारी चेकिंग भी हुई थी बीच में, तो चेकिंग भी बढ़िया से अच्छे से हो गई है। ये देखिए जम्मू की एंट्री होने, मतलब कटरा की एंट्री होने वाली है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे खच्चर मिलते हैं और बंदा तो बहुत ज़्यादा है। तुझे दिल ने पुकारा अम्मा, तुझे दिल ने पुकारा। ये देखो गाइस ये वाला टर्न तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एकदम भैया ने सुपर फास्ट तरीके से मोड़ दिया। वेलकम टू कटरा। कटरा बस हमें कुछ चीज़
पर ही है ना भवन माता रानी का? देखो गाइस वहाँ पे भवन जो है ना माता रानी का, फिर आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे लाइव। बहुत ही प्यारे खूबसूरत दर्शन होने चाहिए। सुना है मैंने कि अर्धकुमारी पे मतलब अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, एक दो दिन का टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो गाइस कोशिश करेंगे कि क्या है अभी क्या करते हैं। थैंक यू। सो गाइस अभी हम कटरा पहुँच चुके हैं और अभी हम बस स्टॉप पे हैं और यहाँ भी यहाँ पे हम हेलीकॉप्टर का रेट पूछने जा रहे हैं जो कि वन वे या टू वे का क्या है, कैसे कैसे रेट है उनका। तो निहारी का कॉम्प्लेक्स यहीं है, यहीं पे जाके पूछते हैं हेलीकॉप्टर का कैसे है। मैं भी आपको बताता हूँ किस रेट का है, क्या है, कैसे है, पूरा सिक्योरिटी परफेक्ट चेक पॉइंट। तो गाइस अभी हमने अंदर जाके पता किया है तो अंदर मोबाइल लेना अलाउड नहीं था। 1800 का एक जने का टिकट है और बहुत ही ज़्यादा गंदी मारामारी हो रखी है। इन्होंने पैसे और रेट इतने हाई ज़्यादा कर रखे हैं क्योंकि अभी पीक आवर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से जाम लगी, भीड़ लगी पड़ी है, सब मारामारी कर रहे हैं टिकट के लिए। और वो ये कह रहे हैं कि अभी जो उसका नॉर्मल रेंज का टिकट रहता है ना वो 600 से 650 के बीच मिल जाता है, बट अभी क्या है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है तो उन्होंने पैसे हाई कर रखे हैं। तो ये माँ वैष्णो का भवन जहाँ पे अभी हम जाके चढ़ाई करेंगे, अभी होटल जाके फिर आपको दर्शन के माता रानी के दर्शन कराएंगे। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 500 से लेके और 1000-2000 तक के बीच में आप होटल ले सकते हैं और ठहर सकते हैं। थैंक्स गाइज़।